दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज सिलवासा में एक जॉब रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। वेरियस पोस्ट हैं, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री की। और दोस्तों, ये आपकी जो सैलरी होगी इस जॉब पे वो 50,000 पर मंथ होगी। दोस्तों, ये 6 मंथ का शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एज पर UGC रेगुलेशंस विद नेट, सेट, SLET और PhD विद मिनिमम 50% मार्क्स एट मास्टर्स लेवल। कैंडिडेट हु आर और हैव अवार्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2009 शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट। अ रिलेक्शन ऑफ 5% भी मे बी प्रोवाइडेड एट द ग्रेजुएट एंड मास्टर्स लेवल फॉर द स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, डिफरेंटली एबल्ड, अदर बैकवर्ड क्लासेज और कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी एंड असेसिंग गुड अकेडमिक रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू टीचिंग पोजिशंस। द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू द कैटेगरीज मैंशन अबव आर परमिसिबल बेस ऑन ओनली द क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स प्रोसीजर्स। दोस्तों, आज जो आपकी सैलरी है वो 50,000 पर मंथ होगी, जो कि सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। जो आपकी एज लिमिट है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन और परमानेंट पोस्ट। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं होगा कि 6 महीने की जॉब करने के बाद आपको हमें परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट करो, कहीं आप रिट लगाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है ये सिक्स मंथ की शॉर्ट टर्म जॉब ही है। जो TA DA होगा, आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तब आपको दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके, वेबसाइट है www.dnh.nic.in/APJGC, वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो फिल कर दें। दोस्तों, ये है एप्लीकेशन इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। आप इसे दी गई वेबसाइट पे डाउनलोड करके इसे फिल कर दीजिए, और जैसे कि आप सारी डिटेल्स इसमें भर देंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी इसमें डिटेल्स मांगी हुई हैं, डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर है, सारी डिटेल फिल कर देनी है आपने। उसके बाद इसे सबमिट कर सकते हैं आप इस जॉब के अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना सही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।